नमस्कार भाइयों, स्वागत करता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में। रफ्तार के आज वीडियो में हम बात करेंगे टाटा के टियागो का एक्सीडेंट होता है यहाँ पर हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर के साथ। कहाँ की घटना है, कैसे हुआ, सब बताऊंगा वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। बिना सब्सक्राइब करे भी ना मच जाएगा। रिजल्ट देख के आप भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएंगे। टाटा टियागो की बात करें तो एंट्री सेगमेंट की हैचबैक में आती है और अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेफ गाड़ी मानी जाती है। इससे पहले भी मैंने टाटा टियागो के ऊपर कई वीडियो बनाई है, उनमें से एक वीडियो है दोस्तों जहां पर टाटा टियागो दो ट्रक के बीच में क्रश हो जाती है और अंदर बैठने वाले लोगों को कुछ भी नहीं होता, माइनस स्क्रैचेस के साथ वो लोग बाहर गाड़ी के आ जाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मोर देन 10K व्यूज़ आ चुके हैं उस वीडियो पे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है वो कुछ इस प्रकार हुआ। जो आप यहाँ पर एम्बेसडर देख रहे हैं वो एक टैक्सी है जो कि यू टर्न ले रही थी। कोलकाता की घटना थी, वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा था, अचानक से रेड लाइट हो जाती है दोस्तों। तो ये जो टैक्सी वाले हैं वो अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, वहीं पे पीछे चलने वाली है टाटा टियागो 30-40 किलोमीटर के रफ्तार में जाके इनको ठोक देते हैं। ठोकने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों क्या हालत हुआ है यहाँ पर टाटा टियागो का, जो कि माइनर सा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर का क्या हालत हुआ है। अगर आप एम्बेसडर का बूट डोर देखें तो पूरी तरह से पिचक गई है और हैवी बुलगार्ड इस पर लगा है दोस्तों, वो भी पिचक गया है। जब ये एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों, ये हादसा वहाँ पर हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ोटो खींचने लगे थे कि ये एक मिनी टैंक है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हम जानते हैं कि टाटा टियागो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है यहाँ पर। तो दोस्तों इन गाड़ी के जो ओनर हैं उनका मात्र कुछ रुपए में दोस्तों इंश्योरेंस में गाड़ी क्लेम हो गई थी और इनके गाड़ी का दोस्तों बोनट में थोड़ा डैमेज आया था, वो बिल्कुल सही कर दिया गया है यहाँ पर टाटा वालों के तरफ से। आप देख सकते हैं अब इनकी गाड़ी बिल्कुल ही सही हो गई है और अच्छी चल रही है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जब भी आप एंट्री सेगमेंट की हैचबैक भी लेने जाएँ तो दोस्तों आप थोड़ा सा पैसा ऐसा देते हैं और आपको मिल जाती है टाटा टियागो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ गाड़ी मानी जाती है अपने सेगमेंट में। इसीलिए दोस्तों सेफ्टी को हमेशा आपको प्रमोट करना है। टाटा टियागो के जो ओनर हैं वो खुद एक यूट्यूबर हैं दोस्तों, उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनकी वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ दोस्तों, मैं हमेशा सेफ्टी को प्रमोट करता हूँ और टाटा उनमें से एक है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी बना रही है। अगर यही इसके जगह और कोई गाड़ी होती दोस्तों एंट्री सेगमेंट की, अगर हम बात करें कोई स्विफ्ट भी रहती दोस्तों, तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फोर व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट, टू व्हीलर चलाते तो हेलमेट जरूर पहने। सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। साइनिंग ऑफ रफ्तार 7811। जय हिंद जय भारत।